हिंदुस्तान में अक्सर जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है उसका एक ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन हम ढूंढ ही लेते हैं वेजिटेरियन खाने में, और आज की रेसिपी भी वैसी है। हेलो गाइस, मैं हूं अफराज, आपका मॉडर्न खान सामा, और आज बात की है वेजिटेरियंस की, तो एक वेजिटेरियन रेसिपी बनाते हैं फ्रॉम द रॉयल किचन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तहरी या तहरी की। तहरी ये जो रेसिपी है इसकी इजाद हुई थी रॉयल किचन में। जी हाँ, इट्स अ वेरी सिंपल अरोमेटिक राइस प्रिपरेशन। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते। इट्स नॉट अ बिरयानी, इट्स नॉट अ पुलाव, इट्स अ वेरी स्पेशल डिश विच वॉज क्रिएटेड फॉर द कायस कम्युनिटी। जो बुक कीपर्स होते थे ये नवाबों के ज़माने में, उनके लिए खाना बनाया गया था। और अक्सर यही भी कहा जाता है कि जो कायस कम्युनिटी थी वो काफ़ी गौर फरमाती थी खानसामों पर जब वो खाना बनाते थे, एंड दे यूज़ टू रेप्लिकेट द सेम एट देयर हाउसेज, जस्ट द फैक्ट दैट मीट की जगह वो एक अदर वेजिटेरियन ऑप्शन डाल देते थे उसके अंदर। तो चलिए, बातें काफ़ी है तहरी को लेके, शुरुआत करते हैं रेसिपी की। पहले एक हांडी को गर्म कर लूँगा मैं। तो अनियन यहाँ पर है मेरे पास, उसे मैं स्लाइस कर रहा हूँ। आजकल सभी घरों में आपको बनते हुए दिखेगी, नॉट ओनली वेजिटेरियन बट ऑल्सो द नॉन वेजिटेरियन पीपल लव दिस। तहरी काफ़ी जगह बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर में से तहार कहा जाता है, और हैदराबाद में भी इसके काफ़ी चर्चे हैं। द स्टोरी इज़ दैट इट ट्रैवल्ड अलॉट ये रेसिपी। चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं। हांडी में मैं घी ले लूँगा। घी जैसी गर्म होगी उसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, एक दालचीनी, तेजपत्ता, कुछ इलायची, दो चार लौंग, तीन से चार काली मिर्च, और इसके साथ साथ प्याज। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रॉम द होल स्पाइसेस। एज आई सेड के काफ़ी अरोमेटिक होता है ये राइस। अनियंस को हल्का सौते करना है जब तक कि ये ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाते, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इस रेसिपी में गोल्डन ब्राउन होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छा इसका सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए प्याज का। अब इसमें मैं डालूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरीके से भून लूँगा मैं। आँच को मैं अभी कम कर दूँगा, और अब पड़ेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले हल्दी पाउडर, इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। अगर आप चाहें तो ज़ीरा साबुत भी डाल सकते हैं। हल्का सा इसे मिक्स कर लूँगा, और क्योंकि मसाला लगे नहीं इसलिए पानी, और मसाले को अच्छे से भून लेंगे अब। तो ये हो गया अच्छी तरीके से सौते। अब बारी आती है इसमें डालने की सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियों में यहाँ पर है कॉलीफ्लावर, जो कि तहरी में बिल्कुल डाली जाती है, और इसी के साथ साथ पटेटोज़ इसके अंदर। अब इसमें मैं डालूँगा कैरेट्स। वैसे कैरेट्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना ओनली पटेटोज़, कॉलीफ्लावर और ग्रीन पीस के साथ भी तहरी बन सकती है। आई जस्ट लाइक टू ऐड कलर्स, तो मैंने डाल दिया। सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरीके से भुनने के बाद अब डालते हैं इसमें थोड़ा नमक, सॉल्ट, और इसी के साथ साथ पानी। देखिए क्या बढ़िया कलर आया है, सारी सब्जियों ने पीला कलर हल्दी का है वो ले लिया है। ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकने देते हैं, जब तक कि जो हमारी सब्जियां हैं वो हल्की गल नहीं जाए। 5 से 10 मिनट में सब्जियां हैं वो देखिए गल चुकी है आधी। अब इसमें डालूंगा मैं मटर। मटर अभी डाल रहा हूँ क्योंकि जो हरा रंग है मटर का हमें वो चाहिए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे। और अब बारी आती है इसमें डालने की भीगे हुए बासमती राइस। अब इसमें जाएगा थोड़ा और नमक, पहले हमने सब्जियों के हिसाब से नमक डाला था, अब चावल के हिसाब से नमक डाल रहा हूँ। और अब इसमें जाएगा पानी। तो पानी करीबन अगर आप 2 कप राइस ले रहे हो तो 4 कप पानी इज़ मोर देन इनफ, 1:2 का प्रपोर्शन रखेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जियों का कलर लग रहा है। इसकी कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जगह जगह पे ये अलग अलग अंदाज में बनती है, हैदराबाद में भी बनती है, कश्मीर में भी बनती है, एंड इट हैज़
क्रॉस द बाउंड्रीज. द रीज़न बिहाइंड जो बैटल हुई थी पलेस और बक्सर की, उस समय तीन फोर्सेस अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये सारे लोग एक साथ आ गए थे टू कीप द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द बे. सो उस समय जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये रेसिपीज़ बनाई थी, और उसी के साथ साथ ये रेसिपी जो है वो हर एक स्टेट में चली गई और अपने अपने अंदाज में बनने लगी. वैसे कहा जाता है बांग्लादेश और हैदराबाद में दिस इज़ ऑल्सो कुक विद द मीट. जी हाँ, इसमें ही एक्सेप्ट द वेजिटेबल्स मीट भी ऐड करते हैं, जैसे कि चिकन हो, मटन हो, और सेम प्रिपरेशन बनता है मटन तहरी या चिकन तहरी कह के. सो बहुत सी जगह ये रेसिपी बनती है, ऑल्सो पाकिस्तान में ये काफ़ी बनती है. कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश में पहले लोग रहते थे उन्होंने रिसाइड किया पाकिस्तान में, तो दे टुक द रेसिपीज़ क्रॉस द बॉर्डर. सिंधी घरानों में काफ़ी बनती है ये. सो इट हैज़ मैनी ओरिजिन्स, मैनी रेसिपीज़, बट दिस वन इज़ वेरी स्पेशल. तो पानी देखिए, चावल पीने लगा है, अब्सॉर्ब कर रहा है और पक रहा है. चावल हमारा ऊपर आ गए हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स लग रहे हैं. अब इस समय और दो चार मिनट ऐसी हाई हीट पे पकेगा और फिर मैं आँच को करूँगा कम और इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसे दम में पकने देंगे करीबन 8 से 10 मिनट और, जब तक कि जो राइस है वो पूरी तरीके से पक नहीं जाता, खिला खिला हो नहीं जाता और सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है. तो 8 से 10 मिनट में चलिए चेक करते हैं राइस पका है कि नहीं. वाह, आप देख सकते हो एक एक दाना खिला खिला और जो खुशबू है सब्जियों की और चावल की बहुत ही बेहतरीन आ रही है. लुकिंग सो कलरफुल एंड वाइब्रेंट. और गार्निश कर लेते हैं इसको विद सम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स. तो लीजिए, गर्मा गर्म तहरी तैयार है. कहानी तो इसकी बहुत प्यारी थी और सुंदर थी, और जैसे ये पूरी जगह फैली है आई एम श्योर आप भी अपने घर में से बनाएंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको इसका स्वाद चखाएंगे और खिलाएंगे. और बाकी कंफर्टिंग फूड है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इन. कुछ रायता या पापड़ हो इसके साथ तो और भी बढ़िया है, तो मैं रायते और पापड़ के साथ अब इंजॉय कर रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ आपको ऐसी ही शाही रेसिपीज़ के साथ. अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़.